नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। 21 दिन 21 नायक। 21 दिनों के इस लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी सेहत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे नायकों को प्रधानमंत्री भी सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से, नर्सेज से, मीडिया वालों से सबसे बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उनको सल्यूट किया है। ऐसे में द फ्रंट भी इन नायकों को सल्यूट कर रहा है और इसी सीरीज में हम लगातार हर दिन एक नए नायक की आपको स्टोरी दिखा रहे हैं, उनकी स्टोरी दिखा रहे हैं जो हमारे लिए, आपके लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की स्टोरी लेकर के आए हैं जो आता तो हर दिन आपके सामने होगा लेकिन शायद ही कभी आपने उससे बात करने की जहमत उठाई हो। लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन में जहां आप सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने घर में हैं, ऐसे में उस एक शख्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक सफाई कर्मी की, एक कूड़ा वाले की, एक ऐसा कूड़ा वाला जो हर दिन अपनी जान की परवाह किए बिना, आप और हम अगर कोई एक चीज को छूते हैं, टच करते हैं, कोई चीज अगर हमसे घर के दरवाजे से भी अगर टच कर जाती है तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, घर पे साबुन से उसको 20 सेकंड तक धो रहे हैं। लेकिन ये कूड़े वाले, ये सफाई वाले हर सोसाइटी में एक एक फ्लैट के सामने जाकर के आपके घर का कूड़ा, आपके घर की जितनी गंदगी है वो अपने हाथों से उठा करके वो लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप साफ सफाई में रहें, आप स्वच्छ रहें, आपके घर के आसपास स्वच्छता रहे। इसी में, इसी कड़ी में 21 नायकों में हमने एक शुमार किया है एक सफाई वाले को, ये कूड़े वाले को, जिसका नाम है देवेंद्र। गाजियाबाद के देवेंद्र क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं, आप देखिए और सुनिए उनकी जुबानी। देवेंद्र है और साफ सफाई रखना जरूरी है, इसलिए हमें डेली आना पड़ रहा है। और भी सोसाइटी में सफाई चल रही है और हम यहाँ भी सफाई करके जा रहे हैं, आना मजबूरी है क्योंकि सफाई करनी जरूरी है। जितनी ज्यादा सफाई रहेगी उतनी बीमारी कम होगी। तो आपको डर नहीं लगता है कि सब लोग तो अपने घरों में हैं लेकिन आप मान लो कि यहाँ पे साफ सफाई, कूड़ा उठा रहे हो, तो आपको तो ज्यादा डर लगता होगा? डर तो लगता है लेकिन ये जिम्मेवारी भी एक चीज होती है कि हाँ भाई, हम ये काम करते हैं तो इस मौके पे भी हमें काम करना चाहिए। इस परेशानी से निमटने के लिए भी काम जरूरी है, सफाई रहना जरूरी है। सफाई नहीं करेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेगा तो घर में सड़ेगा और बदबू फैलेगी और ज्यादा बीमारी होगी, इसलिए सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी सेफ्टी रखें और सफाई में सहयोग करें, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, एक दूसरे से दूरी जो बना रहे हैं वो बना के रहें। हमें तो भैया इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग ज्यादा तारीफ पे पात्र हैं। हम लोग तो अपने घर में हैं लेकिन कम से कम ये लोग काम तो कर रहे हैं ना। सही बात, नहीं तो सारी अर्थव्यवस्था बैठना और ना घर में मुश्किल हो जाए। डर तो लगता है क्योंकि कोरोना अगर आएगा, टच करने से अगर किसी को खतरा पहुंचाएगा तो उसमें ये भी है। देवेंद्र को भी डर लगता है, उनके भी, उनका भी अपना एक परिवार है, बड़ा परिवार है। लेकिन सुना आपने कितनी बड़ी और अच्छी बात कही, जिम्मेदारी है। मजबूरी तो है लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को देवेंद्र समझ रहे हैं, आप भी समझिए। 21 दिनों के इस लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, सरकारें जो निर्देश दे रही हैं उनका पालन करिए, बेवजह बाहर मत निकलिए जब तक कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन ना आए बाहर जाने की। और बने रहिए द फ्रंट पे, हम हर दिन एक नए नायक की स्टोरी आपके सामने इसी तरीके से लेकर के आएंगे जिन्हें कोई जानता नहीं है लेकिन इस माहौल में वो सबसे बड़े हीरो के तौर पर काम कर रहे हैं। द फ्रंट ऐसे लोगों को सल्यूट करता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।